नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2021। 23,000 से ज़्यादा पदों पे यहाँ पे बम्पर वैकेंसी सभी स्टेट में, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन वेबसाइट पे आपको जाना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, जहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको एक लिंक भी मिल जाएगा अप्लाई नाउ का, वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करना और सिंपल सा आवेदन करना है। तो कैसे क्या करना है सारा सब कुछ इस वीडियो में डिटेल वाइज बताएंगे, कैसे क्या वैकेंसी है। अगर आपने सिंपल सा 12th क्लास पास कर रखे हो तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, 10th पास वाली पोस्ट भी यहां पे इसमें है। तो सारा सब कुछ वीडियो डिटेल में देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अभी बात करेंगे वीडियो में सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2021 अधिसूचना पत्र 072021। यहाँ पे पंचायती राज की तरफ से निकलता हुआ ये रिक्रूटमेंट, जो कि यहाँ पे एक तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में यहाँ पे निकला हुआ है। ये देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान 2021 अंतर्गत जारी विज्ञप्ति के अनुसार शिक्षा विभाग भारत की विभिन्न पंचायतों में यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक, ग्राम सहायक और सुपरवाइजर के पद पर आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक अभ्यर्थी तय दिनांक से पहले आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो अपने जो भी फॉर्म है, जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप यहाँ पे पंचायत समिति के अंडर जाके भी यहाँ पे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे 6 से 14 साल के वर्ष के आयु के बच्चों को सभी को शिक्षित करना है। ये सारा सब कुछ पढ़ लेना आप, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। इसके अलावा बात करूँ मैं पदों के बारे में, प्राथमिक शिक्षक, ग्राम सहायक और सुपरवाइजर, तीन तरह की वैकेंसीज है, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 23,000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पे ये भर्ती निकली हुई है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, 23,000 से ज़्यादा पदों पर ये बंपर भर्ती है। इसके अलावा जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर आधारित इस भर्ती की अंतिम तिथि आवेदन करने से पहले आप चेक कर लेना, उसके बाद में ही अप्लाई करना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की, प्राथमिक शिक्षक, ग्राम सहायक और सुपरवाइजर पद के लिए यहां पे आप देख सकते हो, अगर आपने सिंपल सा 12th क्लास पास कर रखा है, जी हाँ दोस्तों 12th क्लास पास अगर आप हो यहां पे 10+2 की स्कीम में, या फिर 10वीं क्लास पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। 12th वाले यहां पे तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहीं 10th वाला यहां पे खाली ग्राम सहायक वाले पद के लिए यहां पे अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे इसके चयन प्रक्रिया के बारे में, ऑनलाइन परीक्षा होगी खाली सुपरवाइजर पद के लिए, बाकी के लिए आपका मेरिट बेस होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, खाली जो रिक्रूटमेंट है आपका यहाँ पे ओनली मैं बता देता हूँ। एक यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट रखा गया है ये सुपरवाइजर पद के लिए रखा गया है, बाकी जो अदर पोस्ट है वहाँ पे आपका मेरिट बेस रिक्रूटमेंट यानी सिलेक्शन होगा, 10वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। लिखित परीक्षा के बाद में दस्तावेज सत्यापन तीनों पोस्ट के लिए किया जाएगा। इसके अलावा चयनित छात्रों के अंतिम सूची मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। जैसे कि आपने अगर 10th लेवल का ग्राम सहायक के लिए अगर पद भरा है तो आपके 10th में कितने मार्क्स है उस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। वहीं प्राथमिक शिक्षक वाला भी 12th क्लास आपने अगर पास किया है तो जो भी आपके मार्क्स होंगे उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन सुपरवाइजर पद के लिए जो भी एग्जाम होगा उसका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, तो वो एग्जाम आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और कैसे क्या आपको पास करना रहेगा वो पूरी स्कीम यहाँ पे लिखी हुई है। 33% अंक आपके आने जरूरी है, 27% या जो भी स्कीम रहेगी वो पूरा डिटेल में हम बता देंगे, अभी आपको शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा। वेतनमान की अगर मैं बात करूँ, 22,500 रुपये यहाँ पर रखी गई है आपके मतलब कि ग्राम सहायक के पद के लिए, वहीं 25,500 आपके रखी गई है वो मतलब कि एक तरीके से जो पोस्ट थी सुपरवाइजर वाली और प्राथमिक शिक्षक वाली उसके लिए। प्राथमिक शिक्षक वाले में जो वेतन है वो आपका रूरल के हिसाब से यहाँ पे अलग से पेमेंट बनेगा, तो वो मैं आपको पूरा स्कीम उसके हिसाब से भी बता दूंगा कैसे क्या आपका पे ग्रेड बनता है, पे बैंड जो होता है वो किस हिसाब से आपका वेरी करता है। आवेदन शुल्क की बात करें हम यहाँ पे 100 रुपये आपके लगेंगे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, वहीं एससी एसटी वालों के लिए 50 रुपये आपके लगेंगे। डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान कर सकते हो, नेट बैंकिंग या फिर एसबीआई चालान ऑफलाइन कटवा के भी आप भर सकते हो। इसके अलावा आवेदन कैसे क्या करना है, ssa.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। महत्वपूर्ण तिथियों की अगर मैं बात करूँ, 15/8 से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 18/9 तक यहाँ पे आपके चलेंगे, यानी कि एक तरीके से अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन जब भी ये लिंक एक्टिवेट होता है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जो भी डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए।